अच्छा दिल्ली से आए? हाँ दिल्ली के रहने वाले हैं, रिलेशन है। मेरा नाम मंतशा है। कहाँ से और कहाँ जा रही है? मैं श्रीनगर से हूँ और हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हम MBBS कर रहे हैं। तो पिछले 8 महीनों से हम लोग फंसे हुए थे कश्मीर में कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अब हमारे एग्ज़ाम्स है तो हम लोग बहुत थैंकफुल है कि हम मतलब बोथ गवर्नमेंट्स ने हमें इतना सपोर्ट किया कि एक बार उन्होंने बॉर्डर खोला हमारे लिए सो दैट हम क्रॉस कर पाए और हम अपने एग्ज़ाम्स जो है अच्छे से दे पाए। दोनों सरकारों को क्या मैसेज देना चाहिए कि मतलब वो जल्द से जल्द जो है ना ये बॉर्डर खोले ताकि हम लोगों के लिए बिल्कुल वैसे पहले जैसा सीन हो कि हम लोग जैसे जाते थे बहुत ईजीली जाते थे। अभी अभी जो है ना प्रॉब्लम्स हो रही है कि कब बॉर्डर खुलेगा, कब नेक्स्ट टाइम कब बॉर्डर खुलेगा। सिर्फ एक दिन के लिए बॉर्डर खोला जाता है और इतनी इनकन्वीनियंस होती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना एक साथ क्रॉस करने में लगे हुए होते हैं। ये कहाँ से है और कहाँ जा रहे हैं? जुल्फ़िकार अली शाह नाम है, जुल्फ़िकार शाह, और दिल्ली से आए हैं। असल में हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से। क्या प्रॉब्लम थी आपकी, किस बीमारी की वजह से? डिटॉक्सिफिकेशन कराने आए थे पॉइजन के लिए, तो वो हो गई और अब जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए? ये है कि एंड रिलीजियस वायलेंस, धर्म के नाम के नफरतें, दहशतगर्दी, बदमाशी बंद होनी चाहिए। पीस होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान के दरमियान पीस होना चाहिए और सारी दुनिया आतंक और टेररिज्म से मुक्त होनी चाहिए। मेरा नाम फातिमा शाह है। कहाँ से आई थी और कहाँ पे जा रही है? ये मेरे हस्बैंड हैं और हम हैदराबाद से पाकिस्तान से आए थे, इसके इलाज के लिए आए थे और हम वापस अपने पाकिस्तान वतन जा रहे हैं। कितने महीने हो गए? बहुत सारे महीने हो गए हमें। सरकारों को क्या मैसेज देना चाहूँगी? मैं दोनों सरकारों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदा के वास्ते लोगों के लिए और रिलैक्सेशन होनी चाहिए। लोग जो बेचारे मतलब फंसे होते हैं किसी बहुत सारे मसाइल में, तो उनके लिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए, उनके लिए और भी काम होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम आई थी आपको इंडिया में, आप रह रहे हो तो कोई दिक्कत आई थी आपको? सच तो कोई वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने बीमारी में हॉस्पिटल्स में इधर उधर तो हर एक फेस करते हैं, सब लोग फेस करते हैं थोड़ी बहुत। कैसा लग रहा है घर जा रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है कि दिल खुश हो रहा है मेरा कि अल्लाह पाक और भी जितने भी बिछड़े खानदान है सबको मिला दे। मुश्ताक, कहाँ जा रहे हैं आप? कराची। कराची कहाँ से? कितने दिन हो गए आपको इधर पर? ये भी लॉकडाउन में फंसा हुआ था। अब परिवार से मिलने जा रहे, कैसा लग रहा है? बहुत इधर टर्न कर जाओ थोड़ा। कोशिश कर रहे कि बस सब मिलजुल के रहे ताकि आपस में बहुत अच्छी बात है आना जाना हो। My name is Ikra Bashir. I hail from Baramulla, Kashmir, and now I study in Pakistan because of lockdown. March में हम लोग वापस आना पड़ा था हम लोगों को। At this point of time हम लोगों के लिए एक दिन feasible बनाया गया कि हम लोग वापस अपनी study pursue कर सकें। We are thankful to governments that they coordinated well this time. One day they made feasible कि हम लोग अच्छे से फिर से जाए, but हम लोग सबकी ये गुजारिश है कि अब सब normal हो जाए पहले की तरह ताकि students या बाकी लोगों का easy हो जाए आना जाना। So that's what we want. Otherwise we would like to thank the government both here and there. दोनों सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? काफ़ी तकलीफ होती है, जो स्टूडेंट है उनको भी तकलीफ होती है, क्रॉस करने में भी तकलीफ होती है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहेंगे कि हाँ कोविड तो है बट सिंस एवरीथिंग इज़ ओपनिंग राइट नाउ, तो बॉर्डर का भी यही सिस्टम होना चाहिए। हम लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रोच करना पड़ा था दिल्ली एम्बेसी पे, सब कुछ बहुत सारे दिन लगे थे, हमें एप्लीकेशंस दी थी हमें, तो उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल हुए। बट हम ये चाहते हैं कि दोनों गवर्नमेंट्स थोड़ा कोऑर्डिनेट करें और हर दिन बॉर्डर खुले जैसे पहले होता था। वी विल बी रियली वेरी थैंकफुल अगर ऐसा हो जाए। थैंक यू। हम दस रहे हो तो कितने बंदे पाकिस्तान जा रहे हैं जी? मेरा नाम जी अरुण पाल सिंह है, मैं एज ए प्रोटोकॉल वाघा बॉर्डर पोस्टेड हाँ। साढ़े मानयोग SSP साहब श्री ध्रुव दगी IPS, सीनियर कप्तान प्रोफेसर अमृतसर देहाती, सरदार गुरप्रताप सिंह जी सोता PPS सब डिवीजन अटारी, उन्होंने सानू दो दिन पहले एक लिस्ट प्रोवाइड की, जिस के तहत
अप्रोक्सीमेट 125 के करीब पाकिस्तान नागरिक जिहड़े कि लॉकडाउन के दरमियान अज तो 7-8 महीने पहले इतने फस चुके थे उन्होंने जानवर अज डिकलेयर होया है। उन्होंने कुछ आ रहे हैं, कुछ अंदर इन्हों चैकिंग करके पेपर वगैरह पासपोर्ट वगैरह वेख के इन्हों अंदर भेजे जा रहे हैं। 125 के करीब साडे पर्सन है जी पाकिस्तानी जिन्होंने अब पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। स्टूडेंट 150 के करीब है जी जिन्होंने जानवर अजे तक इन्हों अंबैसी तो क्लीयर नहीं हो रहा इतने इमीग्रेसन ऑफिस जो क्लीयर हो गया इन्हों भी विदाउट किसी प्रॉब्लम तो इन्होंने भेजे जाएगी। बिल्कुल जी, साडे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृतसर डिप्टी कमिश्नर ऑफ अमृतसर तो उन्होंने एक मैडिकल टीम मुहैया की जी अंदर जिहड़ा इन्हों का थारोली टैसट करके इमीग्रेसन तो कस्टम इन्हों के पेपर वगैरह चैक करके इन्हों जीरो लाइन क्रॉस करा के पाकिस्तान के हवाले किए। नहीं जी, अज की डेट में पाकिस्तान तो भारत आने वाला नागरिक बारे कोई इंफॉर्मेशन नहीं जी।